नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में तंत्रिका कोशिका का सचित्र वर्णन किया जाएगा। तो देखिए, तंत्रिका कोशिका का सचित्र वर्णन। तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन, अंग्रेजी में न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका कोशिका सूचनाओं, आवेगों का संवहन करने वाली मूल क्रियात्मक इकाई है। तंत्रिका कोशिका जो है, न्यूरॉन जो है, सूचनाओं, आवेगों का संवहन करने वाली मूल क्रियात्मक इकाई है। यानी शरीर में जो सूचनाएं का संवहन होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, उसकी यह मूल क्रियात्मक इकाई है, फंक्शनल यूनिट है। अब देखिए, न्यूरॉन के तीन भाग होते हैं। द्रुमिका, कोशिका काय, तंत्रिकाच, जिसे अंग्रेजी में एक्सॉन कहते हैं। तो देखिए, यहाँ चित्र है तंत्रिका कोशिका का। यह है द्रुमिका। यह क्या है? आपकी द्रुमिका है, यह केंद्रक है, यह कोशिका का है, ये भाग जो है कोशिका का है। ये तंत्रिकाच है। ये क्या है? तंत्रिकाच है। ये तंत्रिका का अंतिम सिरा है, तंत्रिका का ये अंतिम सिरा। इसी प्रकार तंत्रिकाएं एक दूसरे से आपस में जुड़ी रहती हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान शरीर के विभिन्न भागों से मस्तिष्क को और वहाँ से फिर पेशी भागों को देती हैं, जिससे कोई क्रिया हो सके। अब देखें तंत्रिका कोशिका के कार्य। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन शरीर के विभिन्न भागों से सूचनाओं को मस्तिष्क की ओर ले जाती है। तंत्रिका कोशिका जो है, न्यूरॉन शरीर के विभिन्न भागों से सूचनाओं को ब्रेन की ओर ले जाती है, मस्तिष्क की ओर ले जाती है। दूसरा, मस्तिष्क के सूचनाओं, आवेगों का विश्लेषण होने पर, मस्तिष्क में सूचनाओं, आवेगों का विश्लेषण होने पर तंत्रिका कोशिका पुनः इन सूचनाओं को पेशियों तक पहुंचाती है, जिससे वह उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कर सके। मस्तिष्क में सूचनाओं जो जाती हैं, जो आवेग, संवेग, उद्दीपन होता है, उसका जो संदेश जाता, वहाँ विश्लेषण होता है और तंत्रिका कोशिका पुनः इन सूचनाओं को पेशियों तक पहुँचाते, जिससे वह उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कर सके। जैसे आपके शरीर में यदि चींटी काटती है, तो यह सूचना, आवेग तुरंत तंत्रिका कोशिका क्या करती है? तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क को भेजती है, ब्रेन को भेजती है, और वहाँ क्या होता है, उसका विश्लेषण किया जाता है कि क्या हो रहा है, और तुरंत वो पेशियों, जैसे हाथ पैर को तुरंत उसके प्रति कार्रवाई करने के लिए उद्दीपित करता है, जिससे क्रिया का प्रतिक्रिया हो सके, उसको हटाया जा सके। तो यह है तंत्रिका के कार्य। नमस्कार, गुड लक।